शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्गन और आप देख रहे हैं पुपली न्यूज। पुपली न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। इसी क्रम में पुलिस ने आज फिर 3 शातिर अपराधियों को असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी सीतामढ़ी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि जिले में डकैती समेत 15 संगीन मामलों के कुख्यात बदमाश महेश पासवान की तलाश बहुत दिनों से जारी थी। गुप्त सूचना पर महेश पासवान सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों को हथियार के साथ बेला थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने इन गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया। सभी अपराधी भारत नेपाल बॉर्डर के समीप रहकर आपराधिक घटनाओं को देते थे अंजाम। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि सभी बदमाश एक जगह इकट्ठा होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। छापेमारी सदर डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित कर किया गया। पुलिस ने तीनों अपराधियों को भारत नेपाल बॉर्डर के बेला भगवतीपुर के नजदीक से गिरफ्तार किया। आप देख रहे हैं पुपली न्यूज। पुपली न्यूज को लाइक, शेयर, फॉलो करते रहें। पुपली न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि पुपली न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपली न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कर दें। नवलिटी के कुछ अपराध कर्मी इकट्ठा हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इसमें एसडीपीओ सदर सुबोध जी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम एवं बेला थाना अध्यक्ष को लगाया गया और इसी क्रम में 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। उसमें एक हैं महेश पासवान, जो कि पूर्व में दर्जनों कांड में ये अभियुक्त रहे हैं, लूट, डकैती, मर्डर, ये सब में ये अभियुक्त रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 2 गिरफ्तारी और है, जिसमें एक हैं बलराम यादव, जो कि वो भी 6 कांड में वांछित अभियुक्त रहे हैं, और साथ में सुधीर पासवान है, जो कि हत्या के कांड में वांछित है। ये लोग की गिरफ्तारी हुई है, ये पुलिस की अच्छी सफलता है। और इनसे और भी जो फीडबैक हमको मिलेगा, लीड मिलेगा, उसमें अभी तक हम लोग कार्रवाई करेंगे। पिस्टल है और 4 राउंड गोली है, 3 राउंड गोली, 4 राउंड गोली है, 6 गोली है और एक भाई सर। हथियार भी इसके साथ है? हाँ। हथियार में क्या है सर? देसी कट्टा है एक जी, कारतूस 6 राउंड। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मन पसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैन लैब, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।